ट्रेन चल पड़ेगी फिर चल सकती है। वाला काम बाबा आज भी कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। तो बाबा आप क्या कहना चाहते हैं, मोबाइल जान रहे कितना महंगा मोबाइल मेरा? हाँ जानते हैं बेटा, एक 1,60,000 रुपए। अरे बाबा भाई बताइए आपने क्या था, हम लोग को आंसू आ गए। ये देखिए 1 मिलियन की मार्केट ट्रेन में। पहली बार हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो चक्कर आ रहा है। तो गाइस जो सोचा नहीं था वो हुआ है, मतलब हमारी टिकट कंफर्म ही नहीं हुई। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस मैं इतना चिल्ला के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा घर रोड पर है और इतनी सारी गाड़ी की आवाज आ रही है तो मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। तो गाइस आज हम सब जा रहे हैं वैष्णो देवी जम्मू। आखिरकार माता रानी जी ने मुझे इतने सालों बाद बुला लिया तो हम सब जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है। और हमारी सब पैकिंग वैकिंग हो गई है। आज हमारी आज शाम 5:25 बजे की ट्रेन है तो हम सब रेडी हो चुके हैं। देखो सब बैठे भी हुए हैं, बस हम लोग निकलने वाले हैं। थोड़ा चाय वाय पी लेते चले। मम्मा लेट हो रहा है, मम्मा चले लेट हो रहा है। तो हमारे साथ जा रही हैं। हेलो मैडम जी, कैसे हैं आप? अरे मैं आ रहा हूँ। कैसे हो? बढ़िया हूँ। कितनी काली लग रही है। नहीं काली लग रही है, काली नहीं लग रही है, यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है ना इसलिए। इधर आ जाओ, अभी गोरी लग रही हूँ। नहीं लग रही हूँ काली, प्लीज मत कहो ऐसे। तो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी। इतना सोच रही है ना? अरे जा रहे हैं पता है। और तुम्हारे फ्रेंड्स तो मिस करेंगे तुम्हें? नहीं करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जा रहे हैं, हम देखने वाले हैं। नहीं मेरे कॉलेज फ्रेंड्स भी मिस करेंगे तो तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स है। मेरे फ्रेंड ज्यादा मिस कर रहा है, बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ स्टेशन तक देखने तुम्हें। तो ऐसे ऐसे जल्दी चलिए, लेट हो रही है। हम जितना कह रहे हैं जल्दी चलिए जल्दी चलिए और उतना ही जाता धीमे धीमे सब करते हैं। हैंकी मांगा क्यों, मांगा तुमने? हाँ तो हैंकी मांगा था, आपने मुझे हैंकी नहीं दिया था। निकाला है ना? अब ले लिया, मुझे हैंकी बहुत पसंद है बिकॉज बार बार मुझे फोन को साफ करना होता है। हाँ फोन रख लिया मैंने। चले मोहित कि आज ये सारी बातें कर लेंगे आप? नहीं थोड़ी बहुत हो जाए, थोड़ी बहुत हो जाए। जब भी मोहित आते हैं तो मेरे पापा से जरूर बात करते हो और इतनी लंबी लंबी बातें चलती है कि भूल जाते हैं दूसरा काम ना। चले चलो चलो, बैग कहाँ है आपका? ओहो हमारे दो दो बैग है। हाँ हमारे पास दो बड़े बड़े बैग है। ये मेरा बैग है, एक में कृष्णा के कपड़े सारे, एक में मम्मा ना। तो ताई जी हमारे इतने सारे बैग हो गए, ये देखो हमारे दो बैग, आपके दो बैग। हाँ हमारे दो, आपके दो। तब भी लग रहा था कि कब कम पड़ गया, अभी काफी मैंने निकाल दी, अब जो इम्पोर्टेंट था। ताई कैसा लग रहा है? बढ़िया। अभी हम लोग तो दर्शन के जा रहे हैं तो अच्छा ही लगेगा ना। अच्छा बहुत यही उठा रहे हैं। अब अपने शरीर का भी तो है, सब लोग हल्के हल्के हम चार बार जाना भाई। रिक्शा या टैक्सी कर रहे हैं कि स्टेशन तक जाने के लिए तो कोई मिल ही नहीं रहा, वेट कर रहे हैं अभी बस। और ये स्मार्ट बॉय, सबसे स्मार्ट बॉय इंतजार कर रहे हैं। हमने पिछले की तरह भर दिए गए रिक्शे में। तो गाइस हम लोग स्टेशन पर आ चुके हैं तो अब पता चल रहा है कि ट्रेन बस आने ही वाली है, जस्ट आने ही वाली। तो हम सब लोग भाग रहे दौड़ रहे पीछे रह गए। कंफर्म नहीं हुआ, हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोगों ने पता है 1 महीने पहले टिकट करवाया था, 1 महीने पहले टिकट कराया था तब भी कंफर्म नहीं हुआ। अभी देखो क्या होगा, हम लोग इंतजार कर रहे थे शायद कन्फर्म हो जाए लेकिन नहीं हो रहा कन्फर्म। देखो क्या होता है, हमारी टिकट ही नहीं कंफर्म हुई। मतलब हम लोग इतने लोग हैं, कितने लोग हैं? वो 7 लोग हैं ना? हम 7 लोग हैं लेकिन 7 लोगों में से किसी का टिकट कंफर्म नहीं हुआ। हमारा एसी है और लोगों का स्लीपर है तो ना स्लीपर वाला टिकट क्या मतलब कंफर्म हुआ और ना ही एसी वाला, दोनों ही नहीं कंफर्म हुआ। यार हम लोग यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन हमारे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई है।
एक महीने पहले टिकट करवाया था हम लोगों ने, लेकिन हमारी टिकट कन्फर्म नहीं। हम लोगों को लगा चलो जब ट्रेन आने वाली होती तो चार घंटे बजे चार्ट बन पाए तो चार्ट कन्फर्म हो जाएगी, तब देखा तब भी कन्फर्म नहीं हुई है। देखो अभी यहाँ पे जो स्टेशन जो चार्ट लगते हैं वो देखने गया है, तो देखो अगर उसमें नाम आया तो कन्फर्म हो जाएगी, वरना हमारी टिकट हम लोग भूल सकते भर के जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है, मैं बीच में मुंबई भी गई थी तो शिमला भी गई थी, लेकिन टिकट पूरा कंफर्म था इस टिकट, और अब फिर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी टिकट पर हमने ठान लिया कि माता रानी के दर्शन करने हैं, चाहे जैसे करें भूसा भर के जाए जैसे ही जाए, हमें जाना। अगर नहीं भी करना तभी हम जैसे वैसे जाएंगे, बट जाना है जाना। अगर मैं इसी जगह शूट पे जा रही थी, घूमने जा रही थी, मैं कैंसिल कर देते, लेकिन मंदिर वाली जगह जब भी जाते थे अगर ठान लिया जाना है तो जाना है हम सबको, और सब जाने की बहुत जाएंगे। जय माता रानी, पहुँचेंगे जरूर। सही बात, ये वाली है हमारी गाड़ी अर्चना एक्सप्रेस पूरी। क्या ऐसे क्या बहुत भारी है, हम लोग कैसे बैठेंगे, सारा बाहर निकला। बहुत गुस्सा आ रही है यार, हमारी टिकट तो कंफर्म थी, कंफर्म थी क्या, कंफर्म हो जाती हुई नहीं, कहाँ चलिए ना ट्रेन चल पड़ेगी फिर, लेकिन लगे चुपाना है, लगेज भी तो उठाना है हमें। चलो ऐसे ही हम लोग कैसे बैठ जाएंगे, पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ। उधर से ऊपर से यही झंझट लगती है, हम लोग ने एक महीने पहले करवाया, फायदा ही नहीं हुआ, और एंड में टिकट ही नहीं हुई, वेटिंग चल रही थी, वेटिंग कंफर्म नहीं हुई। हाँ सारे बैग हैं, कृष्णा कौन सी तो लाइट नहीं है फिर? हम लोग बैठेंगे कहाँ, ये देखो कितने ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, यहाँ से निकलने आने में चक्कर आ रहा है, सर दर्द होने लगा, बस खड़े खड़े। देखो टीटी अंकल आए तो हम लोग दूसरी सीट लेंगे, क्योंकि हमारी जो सीट थी वो वेटिंग पे ही रहेंगे हमेशा। पहली बार हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो चक्कर आ रहा है ना कृष्णा, पहुँचा देगा वही तो कोई टीटी अंकल आए, चक्कर आ रहा है ना क्या, तो आपको बोले थे इसे लोग उसमें चढ़ जाओ, हम कह रहे थे ट्रेन बहुत कम देर की रुकेगी तो जल्दी चढ़ जाओ, हम ये कह रहे थे। थोड़ी सी अब चलो, अब तो हो गया, फिर भी तो हम लोग क्या खड़े खड़े जाएंगे, हम लोग किसी तरह सीट ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग को सीट मिल गई, हम लोगों को सीट मिल गई, भैया ने हम लोगों को दे दी। हाँ थैंक यू भैया, पैर दर्द हो गए खड़े खड़े, बस हमें ऐसी जगह खड़ा किया गया, सिर्फ आधी सीट मिली है बैठने के लिए, इसी पर दोनों बैठ गए और सब खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, किस्मत अच्छी होती, किस्मत अच्छी होती तो हमारी टिकट कंफर्म हो जाती। अरे तो किस्मत दुख दर्द फिर भी वेटिंग चल रहा था। कृष्णा ऊपर बैठा है, कृष्णा आज तुम ऊपर बैठे हो, कृष्णा तो बैठा है, ये मैडम यहाँ पे बैठी हुई है और मम्मा यहाँ पे बैठी है, और एक और कहाँ निकाल काम वो उधर है एकदम कोने में, कहाँ इधर ही, अच्छा दिख ही नहीं रही है ताई, आप तो दिख ही नहीं रही है, क्या कर रही है सुंदर, जनरल में बैठा जाता है कैसे, ओह माय गॉड, मैं आज तक जनरल में नहीं।
ही बैठी हूँ, हाँ स्लीपर में पहले बैठ चुकी हूँ, एसी से ही चलती हूँ, कंफर्टेबल रहता है। और लेकिन क्या कहना चाह रहा हूँ मैनेजर मोहित की बदौलत ये भी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। सारा श्रेय जाता है IRCTC को। हम तो मोहित जी को कहेंगे, हम तो मोहित जी को कहेंगे। कोई बात नहीं, अब क्या करें, बैठ के जा रहे हैं बहुत सारे। बाकी डेडिकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पर लोग सभी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सीट कंफर्म नहीं हुई तभी हम लोग ऐसे जा रहे हैं। पर मन में ठान लिया था कि जाना है तो जाना है, कुछ भी हो जाए, लेट के जाए, बैठ के जाए, कूद के जाए, और सोच लिया था कि दर्शन के लिए जा रहे, पहुंचेंगे तो है ही है। हाँ कैसे जा रहे हैं? हाँ एक बार जयकारा, जय। मैंने नहीं बोला, फिर से बोल सचे दरबार की जय। ये देखिए 1 मिलियन की मार्केट ट्रेन ये सब काम कर रही है। नहीं नहीं यहाँ पे बैठी हुई थी, बताओ बोलिए बोलिए बोलिए, मेरे सब गलत समझे गए, बताओ घोड़े गिर गए, घोड़े गिर गई है, बट फिर भी ये काम कर रही है, करिए करिए। यहाँ पे घोड़ी रखी हुई थी, फैन गिर गया, गलती से पूरी घोड़ी गिर गई, ऐसे बैठने की जगह नहीं है। और एंड ऑफ द डे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये कर रही है। अब समझ जाइए, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब ये झोले पे बैठेंगे। बैठिए बैठिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, और क्या पैर दुख गए, बैठे बैठे बैठिए बैठिए। अभी मम्मा और कृष्णा लेने गए थे फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट JC का टिकट, तो वो भी नहीं मिला, वो भी हाउसफुल है। क्या करें, जाना ऐसे ही, ऐसे जाना पड़ेगा ना, ऐसे जाएंगे हम लोग, चलेंगे भाई माता के दर्शन करने। अभी भी सीट मिल जाए, थोड़ा आराम रहता ना, सीट मिलने की बात है, ऐसे ही मिलाना चाहिए। हम लोग का एग्जाम चल रहा है, माता कुछ अच्छा करने के लिए, पीठ दर्द हो गई बैठे बैठे, थप्पी में कोई दिक्कत नहीं, बस लोग। तो ये गाइस बहुत अच्छे तरीके सब बैठे हैं, देखिए देखिए, भाई भी बैठा है, मैम भी बैठी हैं, वो तो पीछे बैठी हैं, वो भी कहीं हुई हैं, बाकी सारी टीम बैठी हुई इधर, कुछ बाबा बाबा भी बैठे हुए हैं बहुत कायदे से, तो आराम से बैठे हैं। और क्या बात करें, मतलब दिक्कत कोई नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग ऊपर से लोग जा रहे हैं, बस ये हम लोग कुचले बचा बचा के जा रहे हैं, मतलब सभी लोग कायदे से बैठ चुके हैं, लगेज भी बहुत फिट तरीके से हो गया और ठीक ठाक है, बट लोग आ जा रहे हैं, बस ये थोड़ी तकलीफ है, पैर को कभी फैलाना पड़ रहा है, कभी बटोरना पड़ रहा है, फैलाना पड़ रहा है, बस पता नहीं कि पैर से बता के बचेंगे कि नहीं बचेंगे, अपने पैरों पे जम्मू जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। भाई का रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं है, बस आपको कैसा लग रहा है? ठीक है यार, भाई आप लोग एसी में सफर करने वाले, इसका मन चल रहा है। तो भाई ऐसे ही अभी मिलता रहेगा आगे, भाई अभी तो देखो, अभी तो स्टार्ट है यार, अभी तेरी स्पीड। तो अभी क्या हुआ कि मतलब काफी क्राउड आ जा रहा था, तो कुछ ये बाबा जो कहते हैं कि भाई हमेशा से ही 100 रुपये रहे हैं, आगे ही रहे, इन्होंने तुरंत कहा बेटिया आप इधर आ जाओ, थैंक यू, हम लोगों को जगह यहाँ पर दिया, इसके लिए दिल से थैंक यू। पब्लिक निकल रही थी ना, तो हम लोग को पैर टकरा रहा था हम लोगों से, तो हम लोग साइड शिफ्ट हो गए, चेंज कर लिया प्लेस। तो बाबा जी धन्यवाद इसके लिए, जय बोलेगी, जय भोलेनाथ। देखिए मतलब माता का बहुत बड़ा, देखिए क्राउड, ये देखिए सब वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं, और यहाँ देखिए मतलब बहुत अच्छे, देखिए मतलब एक इसका भी एक्सपीरियंस यार बहुत यूनिक रहा है। ये तो मैं इनसे पूछूंगा बाद में, सुबह मिलते हैं, देखिए बीच बीच के रिएक्शन मैं लेता रहूंगा। ओके आप बैठिए, आप बैठ सकते हैं। तो रेलवे की चाय कैसी है? ठीक ठाक, मस्त है, चकाचक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो रेलवे भी अब अपनी चाय की क्वालिटी अच्छा करने लगा। बाबा चाय कैसी है रेलवे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, बढ़िया अच्छी चाय। तो मतलब इतने कंप्लेंट के बाद, ओ ये क्या हो रहा है,
भैया ये सब क्या चल रहा है? ये देखिए छोटा डोरेमोन का बैग है, इसमें क्या क्या है? इसमें सिर्फ खाने पीने की चीज है। तो ये सुनने की भी है, खाने पीने सुनने। व्हाट इज दिस? सब्जी, आलू की सब्जी। ओहो, और ये है ढोकला। सफर में काफी मजा आने वाला है। बस और मैं तो खा लिया डालमोट बिस्किट सब। वो बनाया किसने? मम्मा ने, मुझे खाना नहीं आता। तो आंटी जी टैलेंटेड हैं। तो अगर आपके घर में शादी ब्याह नवरात्रि बर्थडे मुंडन, तो आंटी जी संपर्क जरूर करें। भैया सरवार आंटी जी को, आंटी जी तारीफ मैं कर रहा हूँ, भैया सरवार दे रहे। मैंने कहा था आंटी से लैया बचा के रखिएगा, लैया भैया सब खा गए। अरे हम चिप्स ढूंढ रहे हैं, इनकी नजर है कुछ और खाने मिल जाए। बस लड्डू नहीं है, खत्म हो गए। वो लड्डू कैसे रखा है? हीरा तुम्हें नहीं चैन? बोलो तुमको ना चैन तो हमका पैसे? वो तो चैन नहीं है क्या दादा? कुछ मिली है ना मिला, पर जुआ मेरी मतलब ये सब व्यवस्था रहती है। देख लेगी मम्मी को मिलना चाहिए मसाला, तभी देखो पी रही है। चैन हो गए साफ बता दी। बताइए आपने क्या कहा? हम लोग को आंसू आ गए। बताइए एक और बार ये वाला एक्शन देखो बाबा मोहित का हाथ देख रहे हैं। बाबा हाथ देख रहे क्या कर रहे हैं? और आधा बता रहे लकीरें है नहीं मिट गई है, बताओ चूरन चाट के। बहुत अच्छा है, अच्छे प्रधानमंत्री का बंदा। अच्छा मेरा तो भैया देखो इधर सभी लोग बैठे हुए हैं एक तरफ से, और टाइम काफी ज्यादा हो गया है, गाड़ी निकल चुकी है। पांडे भैया जो है यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? लोग पिकनिक मनाने पार्क में जाते हैं, पिकनिक मना रहे हैं। बढ़िया लग रहा है, क्या लाए हो? रेल आहार? रेल आहार ट्रेन वाला खाना? ट्रेन वाला खाना नहीं है, घर आहार है। हम लोग घर से खाना बना के लाए। अच्छा अलग अलग है कि एक ही में है? ताई लाई है ये, हम लोग लाए। ताई जी ताई जी तो वहाँ बैठी थी, बढ़िया सीट मिल गई क्या? नहीं भाई ये सब्जी तो मिल गई है, बढ़िया नहीं मिली। ये सब्जी जो है इन्होंने बनाई। क्या है इसमें? जस्ट आलू है, जस्ट आलू अंसी ने बनाया। उधर कृष्णा को दो, भूखे बैठे हैं आप बताओ आंटी जी, क्या बताओ खाना कैसा है? किसने बनाया? पड़ोसन है, हम लोग बनाए नहीं जाते। भैया देखो यहाँ पे खाना चल रहा है, इधर सभी बैठे हुए हैं एक तरफ से, इधर कम है, इधर देखो भैया जाने की जगह भी नहीं। तो गाइस देखिए कितनी परेशानी हो रही है, कितनी परेशानी, सबको मजा आ रही है, मतलब एंजॉयमेंट सभी कर रहे हैं। भाई देखो भाई परेशान कर रहे, सोने नहीं दे रहे। आंटी एंजॉय कर रहे पूरे सफर को, सभी बैठे हुए हैं और बाबा जी हमारे बैठे हुए, मतलब इन्होंने सीट वहां से, मतलब सीट नहीं बोलेंगे, मतलब जगह अपनी दे दी है, मतलब सन्यासी वाला काम। बाबा आज भी कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। तो बाबा आप क्या कहना चाहते हैं? मोबाइल जान रहे कितना महंगा मोबाइल मेरा? हाँ जानते हैं बेटा, 1,60,000 रुपए। अरे बाबा भाई इनको इनको हल्के मत लेना यार, मतलब सीरियसली इन्होंने बताया आईफोन का रेट यार, मतलब आपके पास है क्या बाबा?
हाँ है, हमारे गुरुजी के पास है, हमने उसको दे दिया, गुरुजी को दे दिया, हमको भी किसी ने दिया था, तुम्हारे जैसे आदमी ने दिया था लेके, उसको हमने गुरुजी को भेंट कर दिया। भैया कभी साधु संत को हल्के मत लें, भारी होते हैं ये लोग भी। तो बाकी सब ठीक है, ऐसे ही चल रहा है माहौल। वैसे टाइम अभी हो रहा है 9 साढ़े नौ, कितना बज रहा है? साढ़े नौ हो रहा है, बाकी अभी तो भाई चल रहा है। ऐसे छोटी छोटी क्लिप आती रहेंगी यार, मूवमेंट बनता रहे। खांसी भी आने लगी मैडम को, लोग चलते चलते थक जाते हैं, बैठे बैठे थक गई हैं। अरे कैसे बैठे, अभी तो देखिए आराम से लेटी हुई है, तब भी दिक्कत, टांगे सीधी सीधी हैं, फिर भी दिक्कत हो रही है। आंटी जी ने पंच मारा है। जब बाबा ने अच्छा ये ऐसा, वैसे देखो यहाँ पे अंताक्षरी खेली जा रही है। अरे हम तो दिखे नहीं अच्छा लग गया। ये है मेरा कैमरा जूम हो जाता है। बरेली, तो गाइस अभी बरेली स्टेशन आ गया, ये देखो। तो इसके बाद दिल्ली आना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली बार मथुरा गई थी, तो पहले बरेली आया था, उसके बाद दिल्ली आया था, उसके बाद आगरा आया था, ऐसा हुआ था। तो रियली के बाजार में, तो गाइस साढ़े ग्यारह बज रहे हैं भाई, सेंटर में भाई साहब ऐसे सुन रहे हैं। और ये आपकी फेवरेट वायरल कैरेटा वाली, ये वायरल गर्ल सो रही है यहाँ पे, बस इन्होंने घड़ी बांध रखी है टाइम देखने के लिए, जब वो भी टाइम भी गलत बता रहा है, 8 बज गए घड़ी में। तो भाई बस घड़ी 8 बज गए, बस 11:30 भाई, 11:30 बज रहे हैं, और बहुत ही आलम यार, सभी थक चुके बहुत ज्यादा ही थक चुके हैं, बैठे बैठे उसको बहुत ज्यादा सो गई बहुत बुरी तरीके से। आंटी भी बैठी हैं ऐसे, और ये भी बहुत, मतलब सभी बैठे हैं, बाबा जी भी जैसे हैं वैसे हैं, और क्राउड बढ़ता ही जा रहा है भाई। देख रहे हो पहले यहाँ पर कुछ ही लोग बैठे थे, अब ज्यादा लोग बैठे हैं, और बस लोग आना जाना है भाई, अब किसी तरह बस सुबह हो जाए और क्राउड कुछ कम हो, फिर इधर उधर सीट वीट पे बैठते हैं। चलो फिर मिलते हैं मॉर्निंग में यार। ओके तो अभी गाइस रात के 12:30 बज रहे हैं, और यहाँ के हालात देख सकते हैं आप, तो ऐसे ही कोई पैर इधर फैलाए उधर फैलाए लेटे हुए हैं, और आंसी लेटी ट्रेन के दरवाजे के पास भालू बनी हुई है, और हम लोग यहाँ पे, ये मेरा भाई लेटा हुआ है, दिख ही नहीं रहा ये कहाँ गया, ये मुझे पेट दर्द हो गई सच में, मेरी गर्दन गई, अब सोने जाते हैं, अब गुड नाइट। मेरा हाथ छोड़ोगी? हमारा सारा लगेज उधर रखा हुआ है पीछे, और हम लोग ऐसे जा रहे हैं, हम लोगों ने सोचा नहीं था ऐसे जाएंगे ना मम्मा, नहीं सोचा था ना। तो कुछ चैलेंज बनाती थी मैं, ट्रेन के दरवाजे के पास पूरी रात बैठूंगी, अगर ऐसा कुछ चैलेंज बनाती तो सच में आप लोगों को पसंद आता, लेकिन ये कोई चैलेंज नहीं है, ये सच में मेरे साथ हुआ। 1 महीने पहले टिकट करवाया था और कंफर्म ही नहीं हुआ, वेटिंग में ही रह गया वो, तो हमें कोई तत्काल भी कोई टिकट नहीं मिल रहा था। हाँ, तो हम लोगों को दरवाजे के पास पूरा दिन बिताना पड़ा, हमारी शाम के 5 बजे की ट्रेन, तो 5 बजे से अब तक 12 बज चुका है, 7 घंटे हो चुका है, सुबह तक बस रात गुजारनी है जैसे तैसे। ओके गाइस मिलते हैं आपको सुबह अभी। अरे हाँ, बस जैसे तैसे लेटे हुए हैं, सर भी दर्द कर रहा है। गुड नाइट। भगवान, गुड मॉर्निंग गाइस,
पूरी रात गुजारी है। सीट मिल गई थी तो मुझे मिडिल वाली सीट मिल गई थी और बस सो गए। इतनी गर्दन दर्द हो रही है, इतनी गर्दन दर्द हो रही है, लेकिन लेटने को मिल गया, बस यही आराम है। आंटी लेटी और ये है आंटी। हाय आंटी, गुड मॉर्निंग। तुम भी आराम से सो गई? सीट मिल गई थी ना? लेकिन गर्दन दर्द हो रही है ना? जुकाम भी हो गया। लो आंसी को तो जुकाम भी हो गया। अभी जम्मू पहुंचे नहीं, इनको पहले जुकाम हो गया। और धूप है यहाँ पे तो फिर भी। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉप है अपना। नेक्स्ट स्टॉप है क्या? आने वाला है पठानकोट से? अच्छा, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, आने वाले हैं, लेकिन थक गए। 10 बजे की टाइमिंग थी ना? अभी टाइम क्या हो रहा है? 8:48। अभी तो टाइम है, बहुत टाइम। गुड मॉर्निंग कृष्णा। नींद आई अच्छे से? पूरी हो गई नींद कृष्णा को? 2 घंटे सो लिया कह रहा है। तो तुम्हें तो मिडिल वाली सीट मिली थी, आराम से सो गए ना? 2 घंटे सो लिए। 3 बजे के बाद तो हमें सीट मिली है। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? कैसी बीती रात? बहुत बढ़िया। मुझे ये बताना पड़ेगा कि अरे वही तो खड़े खड़े थे भैया, कुछ नहीं लेना है। तो वही सोच रहे हैं कि हम लोग कब पहुंचेंगे। बस ऐसी सुबह हो गई कि कब पहुंचेंगे, कितनी देर में पहुंचेंगे? वैसे आधे घंटे में, आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू स्टेशन, हमारा आ गया है। जोश कैसा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बस अपनी मंजिल पे आ चुके हैं। डेढ़ घंटा कहाँ लेट है? 17 मिनट लेट दिखा रही थी, 17 मिनट लेट है हमारी गाड़ी। शक्ल में नहीं दिख रही, थोड़ा ऊपर। अरे दिख रही है मेरी शक्ल? चलो चलिए बैग निकालो। सो गाइस ये हमारी गाड़ी है और हमें ऑन टाइम पहुंचा दिया है। हमारी गाड़ी का नाम क्या है? अर्चना एक्सप्रेस 12355। हाँ तो इसने हमको टाइम से पहुंचा दिया है। और ये देखो सब लोग यहाँ पर है, सबकी लगेज भी यहाँ पर है। बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे कटरा के लिए, गाड़ी आ रही है हमारी दूसरी। ओके ठीक है, फिर नजारे देखने को मिलेंगे। नजारे जो भी मिलना चाहता वो भी आ लेकिन अभी सर दर्द हो रहा है। हम लोगों को सुबह से कोई नाश्ता नहीं किया है, चाय नहीं पिया है। तो अभी कुछ खाए आएंगे, फिर चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको पूरा। देखो कृष्णा और मम्मा खाना खा रहे हैं। हम नहीं खाएंगे। क्या खा रहे हो? दाल चावल राजमा रोटी। अभी हम भी राजमा रोटी खाएंगे। तो हम लोग ने थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लिया है और अब जा रहे हैं हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे। मोहित तो मुझे डांटने लगे, चलो वीडियो बनाना, वो आ जाके बना रहा दूसरे प्लेटफॉर्म में। ओफो हमारे लगेज इतनी ज्यादा भारी है। सारी दुनिया का बोझ हम। अच्छा मेरा बैग नहीं है इसमें, मेरा बैग नहीं उठा रहे आप? नहीं। अरे मैं अपना बैग खुद पकड़ी हूँ, ये छोड़ क्यों दिया? पैसे कट जाएंगे मजदूरी। अच्छा क्या बना तुम्हें? तो गाइस फाइनली हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं। इस ट्रेन से हम लोग जम्मू में उतरे थे, जम्मू से कटरा के लिए ट्रेन पकड़ा वहीं पे और हम लोग कटरा पहुंच गए। तो कटरा आ गए हम लोग। हेलो किसी ने बात करने लिए और ये यात्रा यहीं पे समाप्त। और ये वीडियो पे ऐसे ही जुड़े रहे और आगे देखे भी बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़नी है। अभी तो लड़ी हम लोग ने, बहुत लोगों ने सबका सपोर्ट रहा है। रात में ना? रात में
हाँ जैसा भी होगा आपको व्यू मिलता रहेगा यार, अगर चैनल पे आए हो नए हो सब्सक्राइब। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना गाइस। बाय।